आज हम आए हैं बटरफ्लाई गार्डन में। चलो तो फिर आज हम बटरफ्लाई गार्डन की शेयर करेंगे। बटरफ्लाई गार्डन का इनोग्रेशन 2018 में हुआ था और यहाँ पर विजिटिंग टाइम दिया है। ये जो है वो इंटरप्रिटेशन सेंटर है और इस सेंटर में पूरे बटरफ्लाई गार्डन के बारे में, मतलब पूरे बटरफ्लाई के बारे में बताया है कि कौन सी बटरफ्लाई का नाम क्या है, उसे क्या कहते हैं, उसका ओरिजिन क्या है, वो किस मिस सिटी या कंट्री में पाया जाता है, उसका उसका ऑफिशियल नेम क्या है, वो पूरा इसमें यहाँ पर LED जो लगाए हैं छोटे छोटे उसमें बताया गया है। यहाँ पर मॉडल भी है जिसमें पूरे गार्डन का स्ट्रक्चर विद बटरफ्लाई, कौन से पेड़ों पर उगती है, उनका ओरिजिन कैसा है, उनका प्रजनन सिस्टम कैसा है, वो पूरा इस इंटरप्रिटेशन सेंटर में बताया गया है। और जो सेशन है वो बहुत प्यारा है और मुझे बहुत पसंद आया था। ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा है, लेकिन इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। और जो हम एंडिंग में आ रहे हैं सेंटर के, यहाँ छोटा सा एक नीचे जो है, एक छोटा नहीं है लेकिन एक बड़ा सा पैरोट था जो डमी था, रियल नहीं था। जो मैं उसे लिफ्ट करना चाहती थी लेकिन वो काफ़ी हेवी था, वो वहाँ पर रखा हुआ था। सो काफ़ी प्यारा था वो। यह एग्जिट है इस सेंटर की और यहाँ से हम अपने गार्डन की ओर जाएंगे जहाँ हमें रियल बटरफ्लाई मिलेंगे। तो चलो, ये वेलकम वहाँ पर है, जो फर्स्ट वहाँ जाएंगे ना वहाँ पर रखा है वेलकम के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे छोटे बड़े रियल वाली बटरफ्लाई है। देखिए जो उड़ रही है, ये रियल वाली नहीं है, ये डमी है और हम ऐसे ही कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं बटरफ्लाई गार्डन के अंदर का और का नज़ारा। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। यहाँ पर गुलमोहर का भी पेड़ था जो दिख नहीं रहा लेकिन है यहाँ पर। आप देख सकते हैं वहाँ छोटी सी बटरफ्लाई जो येलो कलर की है, फ्लाई करके आगे निकल गई है। और ये जो था वो पुल था, नीचे से पानी बह रहा था और वो दोनों साइड से पूरा ही लकड़ी का वो पेड़ था। मुझे डर लग रहा था फिर भी मैं जा रही थी और ये पूरा शूटिंग मेरी बहन, बड़ी बहन ने किया है। और आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं जो देखने में काफी मन शांत कर देते हैं हमारा। और ये जो और रोड था जो दोनों साइड में बांस के पेड़ों से बना हुआ था। और ये है फिर अंदर का नज़ारा जो आप सब मिलकर चलो एंजॉय करते हैं। और ये जो है वाटर फाउंटेन के पास का नज़ारा है जहाँ पर काफ़ी सारी तितली आती। और इसके आगे जो है जो वाटर फाउंटेन बना है जो आगे आपको देखने को मिलेगा। और ये जो अंदर पूरे पेड़ों के बीच में झूला बन करे जहाँ पर मैंने झूला था। और ये जो है किड सेक्शन है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के झूले हैं। और ये जो है वाटर फाउंटेन जिसके बारे में आपको बता रही थी मैं। तो बटरफ्लाई गार्डन का सफ़र यही तक था। गुड बाय, टेक केयर, बाय।